Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture, we have discussed the types of the permanent tissue. Now, in this lecture, we will discuss the tissue systems. So far as this tissue system is concerned, tissue system ka matlab hai, it is a group of tissues. Tissue system ka matlab hai, group of tissues which perform same general function irrespective of their position. Tissue system जो है एक group of tissues होता है which performs same general function irrespective of their position, उसको हम नाम देते हैं tissue system. और जब हम प्लांट टिश्यू सिस्टम्स को देखेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स. ये जो टिश्यू सिस्टम्स है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स. नंबर वन, दैट वी कॉल एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. पहला जो टिश्यू सिस्टम है, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सेकंड जो है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और वी कैन से फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द थर्ड इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. अब हमें डिटेल में देखना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है. तो टिश्यू सिस्टम में हमें इन तीन टिश्यूज को हम डिटेल में हमें स्टडी करना है. नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ जो पहला टिश्यू सिस्टम है जिसको हम नाम देंगे अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम दैट वी कॉल एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. और जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्रोटोडर्म. इसको बनाता है प्रोटोडर्म, ये तो हमने देखा. और ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ये फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी. जब हम प्लांट बॉडी को देखेंगे, प्लांट बॉडी के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, रूट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, स्टेम में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लीफ में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो फॉर्म करती है. दैट मीन्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी. और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम असल में कहां से, दीज आर द मॉडिफाइड पेरेन्काइमा सेल्स. ये होते असल में मॉडिफाइड सेल्स, मॉडिफाइड पेरेन्काइमा सेल्स. These are the cells, but these are the modified parenchyma cells. और इस epidermal tissue system के अंदर पहला जो आता है, that we call as epidermis. इसमें पहला आता है, that is epidermis. ये जो epidermis होती है, this epidermis is the outermost covering. ये outermost layer होती है, or we can say ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. अगर हम रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है. और ये एपिडर्मिस अगर हम यहां पे बनाएंगे, ये एपिडर्मिस कैसे होती है, मान लीजिए दिस इज द एपिडर्मिस एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस. अगर हम यहां पर सेल्स बनाएंगे, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन ये एपिडर्मिस होती है यूजुअली यूनिसीरेट. यूनिसीरेट का मतलब है सिंगल लेयर्ड. लेकिन समटाइम्स द एपिडर्मिस मे बी मल्टीसीरेट या मल्टी लेयर्ड, मल्टीसीरेट, और वी कैन से मल्टी लेयर्ड, जिसमें
एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन चाहे यूनिसीरेट होगा या मल्टीसीरेट होगा, ये बना है, दिस इज बीन फॉर्मड ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स। ये एपिडर्मिस जो है ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी है। दीज सेल्स आर द लिविंग सेल्स, ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। और वो पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो सेल्स लिविंग होते हैं, वो सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, और इन सेल्स वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड, उनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगी, ये कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होंगे। जैसे मैं यहां पे बनाऊंगा, दिस इज द पेरेन्काइमेटस, दिस इज द एपिडर्मल सेल, दिस इज अगेन अनदर एपिडर्मल सेल, दिस इज अगेन अनदर एपिडर्मल सेल। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर मैंने यहां पे बोला एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग बनाती है प्लांट ऑर्गन्स में, लीफ में बनाई गई आउटर कवरिंग, स्टेम में बनाई गई आउटर कवरिंग, रूट में बनाई गई आउटर कवरिंग, और ये यूजुअली होती है यूनिसीरेट। यूनिसीरेट का मतलब है ये सिंगल लेयर्ड होती है, बट समटाइम्स ये मल्टीसीरेट भी होगी, मल्टी लेयर्ड भी होगी। अगर हम बात करेंगे फीकस की, इसमें ये मल्टीसीरेट होती है या मल्टीलेयर्ड होती है। और ये एपिडर्मिस बनी है पेरेन्काइमा सेल्स की, ये पेरेन्काइमा सेल्स दीज आर द लिविंग सेल्स, और ये पेरेन्काइमा सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती है, इसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस होती है। यहां पे भी मैंने बनाया कंपैक्टली अरेंज, यहां पे भी बनाया कंपैक्टली अरेंज, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अगर हम देखेंगे जो एपिडर्मल एरियल जो रूट्स होते हैं प्लांट में, एरियल रूट्स, एरियल रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो है उसमें मल्टीपल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, या हम कहेंगे उसमें एपिडर्मल सेल्स बहुत सारे होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं। और वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, वेलामिन, और वो फॉर्म करते हैं वेलामिन, यानी फिर वो हेल्प करता है एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये वेलामिन जो है ये एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर करेगी, वाटर करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एट दैट टाइम ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, तो ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस। और समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अगर हम बात करेंगे जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासी जो होते हैं या जो मोनोकॉट्स होते हैं, इनमें एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर, इनमें क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो थिन वॉल्ड होते हैं, एपिडर्मल सेल्स है लेकिन वो एपिडर्मल सेल्स थिन वॉल्ड है, वो एपिडर्मल सेल्स बड़े होते हैं और वह एपिडर्मल सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, उन एपिडर्मल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, बिग वैक्यूल। एक तो एपिडर्मल सेल्स थिन वॉल्ड है, सेकंड तो एपिडर्मल सेल्स ये थिन वॉल्ड भी है, इसका साइज लार्ज साइज है, और इसमें वैक्यूल भी, बिग वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड मोटर सेल्स, और दीज सेल्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स। यानी एपिडर्मिस के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर जब हम इनके लीव्स को देखेंगे, इनके लीफ को हम देखेंगे, लीफ में जो आउटर एपिडर्मिस होती है या एपिडर्मिस होती है उसमें कुछ सेल्स थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और लार्ज होते हैं, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, और दो सेल्स आर कॉल्ड मोटर सेल्स। इनका काम क्या है, इनका काम होता है दे हेल्प इन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ द लीफ, ये इनकी फंक्शन बनती है। दैट मीन्स व्हेन वी स्टडी द टिश्यू सिस्टम, हमने पहला टिश्यू सिस्टम को स्टडी किया, दैट इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहां से बनता है, ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्रोटोडर्म, और ये क्या काम करता है, ये फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, और
और ये एपिडर्मल टिश्यू जो है एक्चुअली ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स है ये। तो उसके अंदर पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है प्लांट ऑर्गन्स का, लीफ की आउटर कवरिंग, रूट की आउटर कवरिंग, स्टेम की आउटर कवरिंग, तो एपिडर्मिस बनाएगी। ये एपिडर्मिस यूजुअली यूनिसीरेट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ये मल्टीसीरेट भी हो सकती है, मल्टीलेयर्ड हो सकती है, जैसे फिकस की हमने बात की। इसके सेल्स जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं, वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये कम्पैक्टली अरेंज्ड है, इनमें न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट है। तो इसको दिस आर द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। फिर हमने बात की जो एरियल रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल मल्टीपल एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं और वो वेलमेन बनाते हैं, और जो ये वेलमेन होता है ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और फिर हमने बात की अगर हम मोनोकॉट्स को देखेंगे, ग्रासेस को लेंगे हम, ग्रासेस के अंदर जो इनकी लीफ की एपिडर्मिस होती है, इनकी लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पे याद रखना है, जो इनमें लीफ की एपिडर्मिस होती है उस पे थिन वॉल्ड बिग साइज़ड सेल्स हैविंग वैक्यूल्स वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल्स को हम नाम देंगे, दोज आर कॉल्ड मोटर सेल्स और दोज आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। नाउ द सेकंड वन जो इस एपिडर्मिस पे होता है, सेकंड वन दोज वी कॉल एज सिटोमेटा। सेकंड जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम नाम देंगे दोज वी कॉल एज सिटोमेटा। यानी जो ये एपिडर्मिस होती है, जो ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यहां पे अगर हम एपिडर्मिस को बनाएंगे, इस एपिडर्मिस पे अब प्रेजेंट होते हैं दोज वी कॉल एज सिटोमेटा। अब हम यहां पे देखेंगे कि ये सिटोमेटा ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, सेकंड वन दैट इज सिटोमेटा। असल में ये जो सिटोमेटा होते हैं दीज आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स, उन माइन्यूट पोर्स को हम नाम देंगे दीज आर कॉल्ड सिटोमेटा। लेकिन ये सिटोमेटा हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपरेशन में, ये हेल्प करते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सिटोमेटा। अब हम देखेंगे कि डाइकॉट्स में ये सिटोमेटा कैसे होते हैं और मोनोकॉट्स के अंदर ये सिटोमेटा कैसे होते हैं। ये सिटोमेटा जो है ये बने हैं दे आर बीन फॉर्मड बाई, या वी कैन से ये जो सिटोमेटा है ये सेल्स के बने हैं, बट दीज सेल्स दीज आर द बीन शेप्ड सेल्स, बीन शेप्ड और वी कैन से किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं। हमने बात की डाइकॉट्स की, हम बात करेंगे ये जो सिटोमेटा होता है या सिटोमेटल पोर होता है, ये सिटोमेटा बना है बीन शेप्ड सेल्स का, और वी कैन से ये बना है किडनी शेप्ड सेल्स का। और ये जो बीन शेप्ड सेल्स है यहां पे बनाएंगे हम बीन शेप्ड सेल, या वी कैन से किडनी शेप्ड सेल जो होती है, जो सिटोमेटा इसी का बना है बीन शेप्ड सेल का या किडनी शेप्ड सेल का यहां पे। और ये उन सेल्स को हम नाम देंगे, ये जो बीन शेप्ड सेल्स का बना है या किडनी शेप्ड सेल्स को बना है, इनको हम नाम देते हैं गॉड सेल्स। दोज वी कॉल एज दीज सेल्स आर कॉल्ड द गॉड सेल्स। दैट मीन्स जो सिटोमेटा है इट इज मेड अप ऑफ गॉड सेल्स। ये जो गॉड सेल्स है इनकी शेप जब डाइकॉट्स में हम देखेंगे ये बीन शेप्ड होते हैं या ये किडनी शेप्ड होते हैं। और जो इनके इनर वॉल्स होते हैं दैट मीन्स यहां पे जहां पे ये सिटोमेटल पोर है, जो इसका ये इनर वॉल होता है ये थिक होता है, इनर वॉल इसका जो इनर वॉल है वो थिक है टुवर्ड्स द पोर, और जो इसका आउटर वॉल है, आउटर वॉल इज थिन, आउटर वॉल इसका थिन है, दैट मीन्स यहां से वॉल थिन है, लेकिन यहां से जो वॉल है ये थिक वॉल है, वॉल टुवर्ड्स द पोर दैट इज थिक एंड द आउटर वॉल दैट इज थिन। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इन गार्ड सेल्स को अगर हम देखेंगे, इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट।
एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो गार्ड सेल्स होते हैं दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। फिर इन गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं, इन गार्ड सेल्स को यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स इनको सराउंड करते हैं, उन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को हम नाम देंगे, दीज सेल्स आर कॉल्ड, दिस इज द गार्ड सेल, गार्ड सेल, एंड इन सेल्स को हम नाम देते हैं सबसे डेरी सेल्स। ये सेल्स है उनको हम नाम देंगे सबसे डेरी सेल्स, और जो ये पोर है यहां पे इसको हम नाम देंगे स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, और जो यहां पे है दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स। और यहां से और एक चीज प्रेजेंट होता है, रेडियल थिकनिंग्स होते हैं, यहां से रेडियल बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं यहां से। तो कलेक्टिवली जब हम सब्सिडरी सेल्स को देखेंगे, गॉड सेल्स को देखेंगे, गॉड सेल्स प्लस दी सब्सिडरी सेल्स दे फॉर्म, गॉड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल्स दे फॉर्म सिटोमेटल एपरेट्स, सिटोमेटल एपरेट्स कलेक्टिवली ये फॉर्म करते हैं सिटोमेटल एपरेट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन द एपिडर्मिस, ये भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे। और अगर हम अब मोनोकॉट्स की बात करेंगे, जो मोनोकॉट्स होते हैं मोनोकॉट्स में भी सिटोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके जो गार्ड सेल्स है द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड, यहां पे गॉड सेल्स है बट द गॉड सेल्स आर किडनी शेप्ड और द बीन शेप्ड, लेकिन वहां पे जो गॉड सेल्स है दे आर डंबल शेप्ड, और वी कैन से दीज डंबल शेप्ड सेल्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, दिस द डंबल शेप्ड गॉड सेल ऐसे। तो यहां से दूसरी गॉड सेल जिसकी शेप डंबल शेप है, दीज आर द डंबल शेप्ड गॉड सेल्स, यानी इन केस ऑफ मोनोकॉट्स जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स आर द डंबल शेप्ड, डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होंगे, यहां पे स्टोमेटल पोर होगा और बाहर से फिर प्रेजेंट होंगे सब्सिडरी सेल्स, ये जो बाहर से सेल्स होंगे दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तो यहां पे भी बनेगा सिटोमेटल एपरेट्स। तो सेकंड मैंने बोला कि जो एपिडर्मिस पे होता है दोज वी कॉल एज सिटोमेटा। ये सिटोमेटा क्या होते हैं, ये माइन्यूट पोर्स होते हैं ऑन द एपिडर्मिस, और ये माइन्यूट पोर्स फिर हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, ट्रांसपरेशन में ये हेल्प करते हैं। लेकिन अगर डाइकॉट्स में देखेंगे जो ये सिटोमेटा होता है ये बीन शेप्ड सेल्स का बना है या किडनी शेप्ड सेल्स का बना है, उनको हम नाम देते हैं गॉड सेल्स। और ये गॉड सेल्स जो होंगे, जो इनके वॉल्स होते हैं, द वॉल्स ऑफ द गॉड सेल्स टुवर्ड्स द पोर, यहाँ की तरफ जो इनके वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं, जो आउटर वॉल्स होंगे वो थिन होते हैं, और ये गॉड सेल्स उनके उन गॉड सेल्स को सराउंड करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, इनको हम नाम देते हैं सब्सिडरी सेल्स, जो बाहर से है सब्सिडरी सेल्स प्लस गॉड सेल्स दे फॉर्म द सिटोमेटल एपरेट्स, ये फॉर्म करते हैं सिटोमेटल एपरेट्स को। तो इन गॉड सेल्स को अगर देखेंगे इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एपिडर्मल सेल्स को अगर देखेंगे वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे, मोनोकॉट्स में भी सिटोमेटा होते हैं, उनमें भी गॉड सेल्स होते हैं, लेकिन वो डंबल शेप्ड गॉड सेल्स होते हैं, जैसे मैंने यहां पे बनाया दीज आर द डंबल शेप्ड गॉड सेल्स, इनको भी सराउंड करेंगे एपिडर्मल सब्सिडरी सेल्स, वहां पे भी फॉर्म होगा सिटोमेटल एपरेट्स, दिस इज द सेकंड वन जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। नाउ द थर्ड, इस एपिडर्मिस पे और एक चीज प्रेजेंट होता है एपिडर्मल टिश्यू के अंदर, और एक चीज आता है, इसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज क्यूटिकल, और एक चीज है उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होता है ये क्या होता है, अगर ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल्स, ये जो एपिडर्मल सेल्स है इन एपिडर्मल सेल्स पे डेवलप होती है एथिक वैक्सी कोटिंग, यानी एपिडर्मल सेल्स डेवलप करते हैं
एक थिक वैक्सी कोटिंग, जो ये थिक वैक्सी कोटिंग होती है जो एपिडर्मल सेल्स पे आती है, इसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज क्यूटिकल। ये प्रेजेंट होती है थिक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम नाम देते हैं दिस वी कॉल एज क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होता है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रूट के अंदर, रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें ये क्यूटिकल एबसेंट होता है, द क्यूटिकल इज एबसेंट इन द रूट एपिडर्मिस। लेकिन रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल एबसेंट होता है और ये थिन वैक्सी कोटिंग होता है जो आउटसाइड एपिडर्मल सेल्स के आउटसाइड पे होती है और ये प्रोटेक्टिव भी होगी और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को भी। इसके बाद और एक चीज होता है प्रेजेंट जिनको हम नाम देते हैं फोर्थ वन, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। एपिडर्मल आउटग्रोथ्स, ये एपिडर्मल जो आउटग्रोथ्स यानी वो वाले आउटग्रोथ्स जो निकलते हैं फ्रॉम द एपिडर्मिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटग्रोथ्स जो एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं या एपिडर्मिस से निकलते हैं, एक को हम नाम देते हैं हेयर और सेकंड को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। यानी एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मल आउटग्रोथ जो है, या तो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ होगी इन द फॉर्म ऑफ हेयर या तो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ होगी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइकोम। अगर ये हेयर की फॉर्म में होगी, ये हेयर की फॉर्म में क्या होगी, अगर हम बात करेंगे रूट एपिडर्मिस की, रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, रूट की एपिडर्मल सेल्स से निकलता है एक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर निकलता है, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर निकलता है, आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज रूट हियर। यानी जब हमने रूट की बात की, रूट की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस या हम कहेंगे रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स आउटग्रोथ देते हैं, लेकिन वो आउटग्रोथ ट्यूब्यूलर होती है, वो आउटग्रोथ यूनिसेल्यूलर होती है, वो आउटग्रोथ अनब्रांचड होती है, उसको हम नाम देते हैं रूट हेयर। और ये रूट हेयर जो होती है ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्बिशन में ये हेल्प करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और ये एब्जॉर्बिशन में हेल्प करेगा। और जिस एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस में अब रूट हेयर प्रेजेंट होगा उसको हम नाम देंगे पाइलेफेरस लेयर, पाइलेफेरस लेयर, या उसको हम नाम देंगे दैट इज आल्सो कॉल्ड एपिबिलिमा, दैट इज आल्सो कॉल्ड राइजोडर्मिस, क्योंकि इस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स जब प्रेजेंट होंगे तो ये इसमें आएगा आउटग्रोथ में, इसको हम नाम देते हैं हेयर। और जो सेकंड आउटग्रोथ है जिसको हम नाम देंगे ट्राइकोम्स, ट्राइकोम ये जो आउटग्रोथ होती है ये आउटग्रोथ स्टेम पे होती है, जो आउटग्रोथ स्टेम पे होगी उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोम। यानी आउटग्रोथ्स विच आर प्रेजेंट, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, या हम कहेंगे ये जो आउटग्रोथ शूट पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। ये जो ट्राइकोम्स होंगे ये ट्राइकोम्स मल्टीसेल्यूलर होंगे, मल्टीसेल्यूलर, ये ट्राइकोम्स ब्रांचड होंगे, ये ट्राइकोम्स अनब्रांचड होंगे, या तो ये ब्रांचड होंगे या तो ये अनब्रांचड होंगे, ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं, ये ट्राइकोम्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये स्टिफ भी हो सकते हैं, दीज आर सॉफ्ट, दीज आर स्टिफ हार्ड, ये ट्राइकोम्स सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, ये सिक्रेटरी इन फंक्शन है ट्राइकोम्स। दैट मीन्स अगर आउटग्रोथ्स, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स अगर प्रेजेंट होंगे, व्हेन द एपिडर्मल आउटग्रोथ्स दे आर बीन प्रेजेंट ऑन द स्टेम, अगर ये स्टेम में होंगे तो ये ट्राइकोम्स बनेंगे, और जब ये ट्राइकोम्स बनेंगे तो ये ट्राइकोम्स स्टेम पे है, शूट पे प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं, ये
ब्रांचेड हो सकते हैं, ये अनब्रांचेड हो सकते हैं, ये सॉफ्ट हो सकते हैं, ये स्टिफ हो सकते हैं, समटाइम्स दे आर सिक्रेटरी इन फंक्शन, ये सिक्रेटरी इन फंक्शन हो सकते हैं। और ये प्लांट को किस में हेल्प करते हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव होते हैं, ये प्लांट को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को, ये यानी इनकी फंक्शन जो है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। कभी कभार क्या होता है, अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को देखेंगे, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें ये ट्राइकोम जो होते हैं दे एक्ट एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ट्राइकोम जो है उनमें ये एक्ट एज, दे एक्ट एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसी तरह अगर हम नेटल की बात करेंगे, अर्टिका डायोका की बात करेंगे, उसमें जो ट्राइकोम्स है वो ट्राइकोम सिटिंग हेयर्स है, वो भी एपिडर्मल हेयर्स हैं जिनको हम नाम देंगे सिटिंग हेयर्स, वो भी एक्चुअली ट्राइकोम्स होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एसोसिएटेड विद द एपिडर्मल टिश्यू, दैट मीन्स एपिडर्मल टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर फिर सिटोमेटा आते हैं, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर क्यूटिकल आता है, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर ट्राइकोम्स आते हैं, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर हेयर्स आते हैं। जो हेयर्स है ये रूट की एपिडर्मिस में आउटग्रोथ्स है, जो ट्राइकोम्स है ये स्टेम की आउटग्रोथ्स होते हैं, और ये ट्राइकोम जो है ये मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं, ब्रांचेड हो सकते हैं, अनब्रांचेड हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं, एज वेल एज सिक्रेटरी इन फंक्शन, बट द ट्राइकोम्स दे एक्ट एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन केस ऑफ insectivorous plants. This is all about the first type of the tissue that we call as epidermal tissue. Thank you.